जय हिंद दोस्तों, ये है हमारे देवरिया लोकसभा के सांसद श्री शशांक मणि त्रिपाठी जी। इन्होंने एक नई शुरुआत करी है, पहले इस शुरुआत को देखिए, फिर इसके बारे में बात करेंगे। देवरिया में शिव मंदिर पे एक मेरी सांसद सुझाव पेटिका, उसको खोला है। कई आवेदन और कई सुझाव मुझे दिख रहे हैं और उसमें मैं बहुत प्रोत्साहित हूँ कि आप लोगों ने डायरेक्ट संवाद अपने सांसद से करने की कोशिश करी है। जी हाँ, इन्होंने देवरिया में शिव मंदिर के सामने सांसद सुझाव पेटिका की शुरुआत करी है। यानी कि अगर अपने लोकसभा के अंदर किसी की भी कोई समस्या हो, कोई सुझाव, सलाह, रिक्वेस्ट हो, तो आप पत्र के माध्यम से उस पेटिका में डाल सकते हैं। उस पर दिए गए नंबर से संपर्क करेंगे और आपकी जो भी समस्या होगी उसका समाधान करेंगे। दोस्तों, एक दूसरे के राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, हो सकता है आप किसी अन्य पार्टी को समर्थन करते हो, हम किसी अन्य पार्टी को समर्थन करते हो, लेकिन आप एक बात तो जरूर मानेंगे कि सांसद जी का जो अब तक का किया गया कार्य है वो यकीनन सराहनीय है। चाहे वो जनसंपर्क कार्य हो, जन कल्याण की योजनाएं हो, और खास तौर पे जो इनका विजन है अपने लोकसभा को लेके, वो बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों इस क्वाइट अप्रिशिएटेबल, एक सराहनीय है। और जिस तरीके से ये संसद में जब खड़े होके अब मुस्कुरा के बात करते हैं और जय देवरिया और प्रणाम देवरिया करते हैं, देवरिया की जनता को भी प्रणाम करता हूँ दोस्तों, पूरे देवरिया लोकसभा के लोगों का सीना गर्व से ऊंचा हो जाता है। यकीनन अब तक के कार्य सांसद जी के सराहनीय हैं और यकीनन दोस्तों हम इनकी बहुत सराहना करते हैं और बहुत तारीफ प्रशंसा करते हैं, लेकिन जिम्मेदारियां बड़ी हैं। सांसद जी ने सांसद सुझाव पेटिका के माध्यम से कहा कि इनको सुझाव दिया जाए, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से दोस्तों, मैं सांसद जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा तमकुही विधानसभा के अंदर। और मुझे इसलिए आपका ध्यान आकर्षित करना पड़ रहा है क्योंकि आपसे उम्मीद है, और शिक्षा संबंधित आपसे कुछ बात करना चाहूँगा। तमकुही राज में स्थित फतेह मोरियल इंटर कॉलेज में अभी भी कॉमर्स की इंटरमीडिएट यानी पीजीटी की क्लासेस नहीं चलते हैं, ये कोर्स ऑफर नहीं किया जाता फतेह मोरियल इंटर कॉलेज में। साथ ही साथ तमकुही रोड में स्थित लोकमान्य इंटर कॉलेज में भी कॉमर्स की क्लासेस को ऑफर नहीं किया जा सकता। अब मैं आपको बता दूं कि तमकुही राज खुद एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, काफ़ी आबादी वाला क्षेत्र है, तो अगर यहाँ से किसी लड़की को या लड़के को अगर कॉमर्स से क्लास करना पड़े तो उसे निकटतम सरकारी कॉलेज फाजिल नगर जाना पड़ेगा, जहाँ पे भी लिमिटेड सीट है। तो एक बच्ची के लिए 16-17 किलोमीटर साइकिल चला के जाना, फिर वापस आना, फिर सारे कार्य करना, ये संभव नहीं, और हर एक परिवार अफोर्ड नहीं कर पाएगा कि वो अपने बेटा या बेटी को फाजिल नगर या निकटतम किसी और ऐसे शहर में भेज के उसको पढ़ाए जहाँ पे कॉमर्स की कॉलेजेस होते हों, जहाँ कॉमर्स की पढ़ाई होती हो। और ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वहाँ भी सीटें लिमिटेड होती हैं। ये तो बात हो गई तमकुही की। सर, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि अपने तमकुही विधानसभा में एक क्षेत्र है सलेमगढ़, बिहार के बॉर्डर पे ये क्षेत्र लगता है, वहाँ पे सर कोई इंटरमीडिएट कॉलेज ही नहीं है। तो अगर वहाँ सरकारी कॉलेज की मैं बात करूँ तो वहाँ पे कोई सरकारी कॉलेज ही नहीं है इंटरमीडिएट की, तो अगर वहाँ किसी लड़की को करना पड़े तो 27 किलोमीटर दूर उसे साइकिल चला के जाना पड़ेगा फाजिल नगर। ये काफ़ी लंबा है सर, काफ़ी, ये बिल्कुल संभव नहीं है। और इसी वजह से हमारे पास क्या होते हैं, ऑप्शन कम हो जाते हैं कि आपको यही कोर्स करना है या फिर प्राइवेट कॉलेजेस, स्कूलों की तरफ जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो ये जो अति शीघ्र कार्य हैं सर, जो अति इम्पॉर्टेंट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं, उसको मैं बता दूँ, कॉमर्स के क्लासेस फतेह मोरियल इंटर कॉलेज और कॉमर्स के क्लासेस लोकमान्य इंटर कॉलेज में, और सलेमगढ़ में एक इंटरमीडिएट कॉलेज का की स्थापना या शुरुआत करना, ये अति शीघ्र कार्य हैं, ये बिल्कुल होना चाहिए। इसके अलावा मैं कुछ और शिक्षा की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूं, मैं आपसे पूछूं कि पूरे तमकुही राज्य में अगर किसी बच्ची को बीएससी करना हो किसी सरकारी कॉलेज से तो उसके पास क्या ऑप्शन है, क्या उसके पास ऑप्शन है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि बंदरा मोड़ पे स्थित किसान पीजी कॉलेज में बीएससी की क्लासेस नहीं होते हैं, वहाँ पे बीए एग्रीकल्चर के क्लासेस होते हैं, बीएससी के क्लासेस नहीं होते हैं। इसके अलावा मैं पूछूं कि क्या पूरे विधानसभा में कोई ऐसा कॉलेज है जो डीएलएड कोर्स ऑफर करता हो, जो बीएड का कोर्स ऑफर करता हो, जो एलएलबी का कोर्स ऑफर करता हो, जो बीकॉम का कोर्स ऑफर करता हो? तो जवाब है नहीं। तो ये हमारी शैक्षिक स्थिति है, ये हमारी शैक्षिक समस्याएं हैं। आपने कहा कि सांसद जी से संवाद करिए, आपने कहा सांसद जी से बात करिए, आइए जरा आपको पहले सुन लेते हैं, ये मोटिवेशन मुझे क्यों मिला कि मैं आपसे ये बात करूं, पहले आपकी एक छोटी सी क्लिप देख लेते हैं। लेकिन आपके सुझाव मुझसे आ रहे हैं ताकि मैं आपकी आवाज़ प्रखर रूप से हर जगह उठाऊँ, संसद में उठाऊँ, और जहाँ तक हो सके यहाँ पर अधिकारियों के साथ मिलजुल के आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूँ। इसमें सबका प्रयास बहुत आवश्यक, मैं आपके साथ काम करूं, सिर्फ सरकारी लोग ही नहीं, समाज भी इसमें जुड़े, अन्य भाग भी इसमें जुड़े, ताकि हमारी 18.7 वोटर और 25 लाख के जो हमारी जनसंख्या है
देवरिया लोकसभा क्षेत्र में वो प्रोत्साहित हो। आदरणीय मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को लेकर हम लोग आगे चलें ताकि आपकी समस्याओं का समाधान भी हो और क्षेत्र भी आगे बढ़े। तो आपको ये सुनने के बाद सच में मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक सांसद स्वयं चल के आ रहा है और वो क्षेत्र की सेवा करना चाहता है, वो क्षेत्र की कार्य करना चाहता है। इसीलिए मेरी भी इच्छा हुई कि मैं अपनी समस्याएं अपनी बात आप तक पहुंचाऊं। तो सर दिली ख्वाहिश है, पूरे तमकुही विधानसभा के लोग चाहते हैं कि पूरे विधानसभा में कहीं भी एक ऐसे क्षेत्र में एक ऐसा महाविद्यालय खोला जाए, एक ऐसा कॉलेज खोला जाए जो बीएड, डीएलएड, बीकॉम, बीएससी, एलएलबी इन कोर्सेज को ऑफर करता हो। अगर ये महाविद्यालय अगर खुल जाता है, और हम सच में चाहते हैं कि यह कार्य आपके शुभहाथों से हो, आपकी पहल से हो और आपके आप इसे हेल्प करें हमें करने में। इस वीडियो को मैं ख़त्म करूँगा एक छोटी सी बात कह के। मुझे यकीनन पता है कि अगर ये मेरी वीडियो सांसद जी जाती है तो उधर से प्रतिक्रियाएं जरूर आएगी और जो भी संभवतः हो सकेगा वो इस पे कार्य करेंगे, क्योंकि वो खुद शिक्षा के महत्व को समझते हैं। इसलिए जो लोग आपके आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी सहायता करिए कि इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करिए, और जैसे ही उन तक पहुँचेगा उनसे जरूर प्रतिक्रिया आएगी। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आखिरी दो शब्द कहना चाहूँगा अपने सांसद महोदय से। शशांक मणि जी, आपने जो कार्य किया वो यकीनन आपका एक विज़न दिखाई देता है, क्योंकि आप शिक्षा से जुड़े हैं। आप मैंने देखा आपके इवन आपके इलेक्शन लड़ने से पहले भी मैं आपके वीडियो को फॉलो करता हूँ, आपकी जो चाहे जागृति यात्रा हो, चाहे आपकी किताबें लिखनी हो, आपका टेडएक्स पे आपकी स्पीच हो, हम सब आपको फॉलो करते हैं। पढ़ा लिखा हर एक युवा आपको फॉलो करता है हर एक सोशल मीडिया पे, और उससे पहले से मैं आपको जानता हूँ। तो इसीलिए मैं बड़ी प्रशंसा के साथ और बड़ी ख्वाहिश के साथ मैं ये वीडियो आप तक पहुँचा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि समय कोई बात नहीं, समय लगता है इन सारे कार्यों में, हम इस चीज़ को समझते हैं, बट एटलीस्ट हम चाहते हैं कि आप हमें अपडेट करें कि क्या ये बात आप तक पहुँची, आपका इस पे क्या राय है, आपका इस पे क्या प्लान है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, और कब तक ये संभव है, इसके लिए आप क्या क्या प्रयास कर सकते हैं, और कब तक ये मुमकिन है कि क्या हमारे तमकुही विधानसभा में एक ऐसा महाविद्यालय होगा जहाँ पे तमकुही विधानसभा के छात्र बीएससी, डीएलएड, बीएड, एलएलबी, बीकॉम ये सारे कोर्सेस कर सकते हैं। और जो मैंने कॉमर्स की पढ़ाई की बात करी फतेहपुर इंटर कॉलेज और लोकमान्य इंटर कॉलेज में, और साथ ही साथ सलेमगढ़ में जो मैंने एक इंटरमीडिएट कॉलेज की शुरुआत की बात करी, मैं बड़ी उम्मीद के साथ ये वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि इस पर कार्य किए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।